देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग। बाराबंकी जिले में आयोजित राष्ट्रीय एकता अभियान कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जिले के एक निजी महाविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम पहुंचे, जहां मोदी सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर में धारा 370 और 35 समाप्त करने के ऐतिहासिक फैसले के बाद एक राष्ट्र एक संविधान के तहत जिले में जन जागरण और प्रबुद्ध गोष्ठी के आयोजन में बीजेपी के पदाधिकारियों समेत तमाम प्रबुद्ध जन कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने मंच से संबोधित करते हुए जम्मू कश्मीर में धारा 370 और 35A की हटाए जाने के संबंध में कहा कि इस 70 साल की समस्या का निपटारा हमारे प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने मात्र 70 मिनटों में हल कर दिया। देश में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने जम्मू कश्मीर में धारा 370 को हटाने का तो नाम दिया ही था, कांग्रेस पार्टी ने ही इस धारा में संशोधन करते हुए कश्मीर में दो झंडे लगाने का विधान लागू किया था, पहला कश्मीर का और दूसरा देश का। और उसमें यह भी संशोधन किया गया कि कश्मीर में कोई भी हमारे देश के झंडे का अपमान करेगा तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। मोदी सरकार ने संसद के पहले सत्र में ही जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान को संरक्षण देने वाले संगठनों पर प्रतिबंध लगाया। उन्होंने ये भी कहा कि ये मर्द लोगों की सरकार है, घर में घुसकर मारती है। सरकार ने कश्मीर में दंगे करने वाले नेताओं को नज़रबंद किया है, जिस वजह से कश्मीर में धारा 370 ए और 35 ए को हटे अब एक महीने से ज़्यादा का समय हो गया, मगर अभी तक कश्मीर में किसी भी तरह के दंगे नहीं हुए। हम लोग सुबह और शाम नारे लगाते थे, एक समय वो भी आया कि जब कांग्रेस के पास में दो दो तीन तीन चार चार बार एब्सोल्यूट मेजोरिटी में बहुमत के साथ काम करने का अवसर मिला और उन्होंने कोई प्रयत्न नहीं किया, बल्कि और धारा पे और धारा बढ़ा दी, 35A साथ में जोड़ दिया। और तो और ये हिंदुस्तान में रहो, हिंदुस्तान की खाओ, हिंदुस्तान की पहनो, हिंदुस्तान का पैसा जो मिले उस पैसे को तीन परिवारों में बंट जाता था। तीन परिवार कौन थे? एक था महबूबा मुफ्ती का परिवार, दूसरा था ये आपके फारूक अब्दुल्ला का परिवार, और तीसरा ही गुलाम नबी आजाद का परिवार। सारा तीनों मिलके पैसा बांट लेते थे, और तीनों की विदेशों में अगर देखो सबसे बड़े साहित्य ही कोई देश ऐसा रहा हो जहां पे यूरोपियन की कोठियां ना रही हो। ये आपस में पैसा बांट लेते थे, और जब हिंदुस्तान की बात आती थी तो 26 जनवरी 15 अगस्त को झंडे लहराए जाते थे हिंदुस्तान के लाल किले पर, और वहां लाल चौक पे क्या होता था, वो कभी पाकिस्तान का झंडा फहराते थे, कभी हिंदुस्तान के झंडे को पैरों के नीचे कुचल कर, और 26 जनवरी 15 अगस्त को ये आगाज देते थे कि जम्मू कश्मीर अब हिंदुस्तान का अंग नहीं है, हम इसको अंग नहीं मानते, ये नारा लगाते थे। और पुलिस क्यों नहीं पकड़ती थी? क्योंकि संविधान में लिख दिया गया, एक्ट में लिख दिया गया कि जम्मू कश्मीर में जो दो झंडे रहेंगे और राष्ट्रध्वज जो होगा उसका अपमान जो है दंडनीय अपराध नहीं होगा, यानी अगर उसको पैरों से रौंद डालोगे तब भी दंडनीय अपराध नहीं माना जाएगा, उसको आप जला दोगे तब भी दंडनीय अपराध नहीं माना जाएगा। ये 35A में और आपके जो आपकी 370 है उसके अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया। ये नेहरू जी के समय अंबेडकर जी ने इसको करने से मना कर दिया, अंबेडकर जी ने साफ साफ कह दिया था कि हम 370 के पक्ष में नहीं है। तब उन्होंने क्या किया कि 370 के पक्ष में नहीं है तो उन्होंने उसके उल्टा किया कि 370 में ना रहने के लिए अंबेडकर जी ने लिखने से मना कर दिया, तब गोपाल स्वामी अयंगर को बुलाया गया। आप देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग।